जय श्री बालाजी महाराज की जय। अभी देख रहे हैं कि अपना सालासर में विशाल काय बालाजी की मूर्ति, जिसका व्यू देखते ही बनता है, बहुत ही शानदार यहाँ का और बहुत ही सुंदर जगह में बनाया गया है। इसको मूर्ति को स्थापित किया गया और बहुत ही सुंदर लगती है। हाँ तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि विशाल काय बालाजी की मूर्ति बहुत ही शानदार, यहाँ से देखने पे बहुत विशाल है ये। अभी आप हैं सालासर में, सालासर में मत्था टेक लिया। मत्था टेकने के बाद में अभी आप सालासर से अंजनी माता की तरफ आते दफ़ा ये विशाल काय बालाजी की बहुत ही विशाल काय मूर्ति, यहाँ अद्भुत नज़ारा देखते ही बनता है बालाजी का। तो मैं आपको लगातार राजस्थान में आए हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लगातार अब वीडियो पे बना रहेगा। अगर अच्छे वीडियो लगते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कोई कमी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें। राम राम दोस्तों, सतपाल डॉक्टर ब्लॉग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप आए हैं सालासर की तरफ, और अभी रास्ते में रुके थे कहीं, तो यहाँ एक मंदिर बालाजी का बहुत ही बढ़िया लगा, जो देखने में यहाँ का अद्भुत नज़ारा और बिल्कुल प्रकृति माहौल में, गांव से बाहर, और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से देखने में मिल रहा है। तो कृपया वीडियो पे बना रहिएगा और देखिएगा यहाँ राजस्थान की प्रकृति की रंगत, बहुत ही खुशनुमा मौसम और बड़ा शांत वातावरण यहाँ का। तो घूमने के लिए ज़रूर निकलें, और अगर बिल्कुल सुकून वाला एरिया देखना हो तो राजस्थान में ही मिलता है, क्यों भीड़ भड़ाके की ज़िंदगी से हटकर बहुत ही बढ़िया यहाँ का एरिया। तो देखते हैं अगले वीडियो में। ये है यहाँ एक बालाजी का मंदिर, मंदिर के साथ ये झंडी का पेड़ खड़ा है, झंडी के पेड़ के नीचे धुना भी बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया यहाँ का व्यू देखने पर लगता है, बहुत ही शांत वातावरण यहाँ का। और साथ ही मेरा झूला झूलते हुए, तो ये बिल्कुल एकांत में बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का देखने को बन रहा है। प्रकृति से मिलती जुलती हैं जानवरों की चहचहाट, साथ ही अपना हेलमेट लगा के झूला झूल रहा है ताकि सेफ्टी बनी रहे। अभी सुबह के टाइम है, यहाँ कोई नहीं है, तो बिल्कुल एक शांत वातावरण यहाँ का। चलते हैं आगे, देखते हैं और भी कोई चीज़ अपने को देखने को मिलती है तो वहाँ से आप देखेंगे उन चीज़ों को। प्रकृति के जो छोटे छोटे जीव जानवर जो होते हैं वो बिल्कुल शांत वातावरण में, एकांत में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो चहचहाट काफ़ी दिख भी रही है आपको।